नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और स्वयं सहायता समूह की महिला बहनें, सभी भाई बहनों सबका स्वागत है। पूरा वीडियो आज हर हाल में देख के जाना, क्योंकि आज के वीडियो में जो खबरें हैं वाकई में आप सबको आज बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो प्लीज फटाफट लाइक करिए और चैनल से जो लोग ना जुड़े हों वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल दबा करके जुड़ जाएं। दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या ट्वीट किया है जरा इन पर गौर करिएगा। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश से ही चुनी गई केंद्रीय महिला एवं बाल विकास जो मंत्री महोदय हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ट्वीट करके एक जानकारी दी है। कहा है कि देश के जो है 6 महीने से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, लगभग आधे जो अत्यंत कुपोषित बच्चे हैं वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। यानी जो टोटल पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सब जगह से अगर बच्चे टटोल लिए जाएं जो कुपोषण के शिकार हैं, उनमें से आधे अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों इतनी ही माताएं और यानी जो है महिलाएं वो भी जो है कुपोषित हैं, ये अखिलेश यादव जी का अपना कहना है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि भाजपा सरकार बताए कि बच्चों के हिस्से का भोजन आखिर कौन खा रहा है। तो यह तो सवाल है सरकार से अखिलेश यादव जी का, वो चाहते हैं कि भाजपा सरकार बताए कि बच्चों के हिस्से का भोजन कौन आखिर खा रहा है। जबकि आंगनबाड़ी बहनों की जो समस्याएं हैं आप सबको पता है कि ऊपर से विभाग मानक के अनुसार राशन पानी लाभार्थियों को पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी बहनों को समूह के जरिए रिसीव नहीं करवा पा रहा है। जहां कहीं जा भी रहा है आपने देखा है कि घटिया क्वालिटी की दालें पहुंचाई गई हैं, जिससे कुपोषण को ही बढ़ावा मिलेगा। और तो और समस्या यह भी है, आप सब जानते हो कि समय पर हर महीने की 5 तारीख को राशन बट भी नहीं पाता है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से फेल है। इन चीजों को आप सब लोग बेहतरी से जानते हो, आप लोगों में ही सभी लोग जानते हो कि कब किसके यहां किस किस महीनों का कितनी लेट जो है राशन पानी बढ़ता है। तो भैया ऐसे कुपोषण तो बढ़ता ही रहेगा। अब बात करते हैं, न्यूज 24 ने ये चीज भी डाली थी, आप देख सकते हो ये 7:26 पर कल सुबह 30 जो है जुलाई को ये पोस्ट की गई, आप देखिएगा ट्विटर से। और ये न्यूज 24 ने डाला था कि देश में 9 लाख से ज्यादा गंभीर जो कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, कितने 9 लाख पूरे अपने भारत देश में, जिनमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 3,98,359 बच्चे गंभीर रूप से गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी राज्यसभा में उन्होंने ये जवाब दिया है। तो आप सोचिएगा, हमारी केंद्रीय मंत्री जी खुद कहती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले जो है यहां पर आधे आधे कुपोषण के शिकार बच्चे हैं। महिलाओं के बारे में तो खैर इन्होंने जिक्र नहीं किया, जबकि आप जानते हो अगर महिलाओं का भी आंकड़ा जुटाया जाए तो उत्तर प्रदेश उनमें भी टॉप पर आएगा। तो दोस्तों ये क्यों है, इसके बारे में आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में उन सरकारी विभागीय व्यवस्थाओं के बारे में लिख सकते हो जिनके कारण इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है। अब दोस्तों चलते हैं खबरों की तरफ, आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में राशन वितरण मामले में ही एक नया सरकारी आदेश आ गया है। निदेशालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ से निकला ये 30 जुलाई को कल सरकारी आदेश जो उत्तर प्रदेश के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ लोगों को भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि द्वितीय त्रैमास के लिए आपूर्ति निर्देश निर्गत कर दिए गए। प्रथम त्रैमास जो था उसमें जो जो लाभार्थी थे क्या क्या मिलना था वो सब तो है हो गया, टाइम भी हो गया, जुलाई तक पूरा हो गया। अब अगस्त महीने से अगस्त सितंबर अक्टूबर का होगा तृतीय त्रैमास यानी द्वितीय त्रैमास में। त्रैमास का मतलब 3 महीना, प्रथम त्रैमास का मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने, द्वितीय त्रैमास का जो अब चलेगा अगले 3 महीने। तो इसके लिए यहां पर आपूर्ति जो है निर्गत की जा रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि संबंध में जो है अवगत कराना है कि द्वितीय त्रैमास की आपूर्ति निर्देश डीआई पोषण ट्रैकर में फीड लाभार्थी के आधार पर निर्गत की जानी है। तो पोषण ट्रैकर पर जिसके वहां जितने लाभार्थी हैं, अगर आपके वहां एक्चुअल में जो वास्तविक लाभार्थी हैं, अगर आपने पोषण ट्रैकर पर कम फीड किए हैं तो राशन पानी कम आएगा। तो जितने हैं वास्तविक वाले उनको उस हिसाब से फीड करवाइए पोषण ट्रैकर पर, उसी के अनुसार डीआई बनेगी और उसी के अनुसार राशन पानी आएगा। उक्त के संबंध में आपके विभागीय ईमेल पर गूगल शीट शेयर की गई है, लिंक विंक दे दिया गया है। आपको गूगल शीट पर अंकित निम्न प्रविष्टियां फीड करनी है, जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र का कोड और फेयर शॉप आईडी एवं कोटेदार का नाम, अति कुपोषित बच्चों की संख्या अब और यहां पर अभियुक्ति यदि आवश्यकता है तभी। साथ ही नीचे लिखा गया है आपको निर्देशित किया जाता है कि गूगल सीट पर प्रविष्टियां 3 दिन के अंदर यानी 2 अगस्त तक फीड करवा दें। फीड किए गए डेटा एवं पोषण ट्रैकर पर फीडेड लाभार्थियों की संख्या, उनका परीक्षण और मिलान अपने स्तर से अनिवार्य रूप से डीपीओ लोग कर ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे, इस कार्य को प्राथमिकता से करवाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर विभा चहल अपर निदेशक है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने लेटर जारी किया। अब सलाह
रहा है ऑल इंडिया की तरफ से सभी बहनों को, अपने वहां पोषण ट्रैकर पर जो लाभार्थी है वास्तविक वाले उन सबकी फीडिंग कर लो, और अगर फिर बाद में आपको कम राशन पानी जो है थमाया जाए तो फिर आप जो है आगे इसके लिए कार्रवाइयां भी करवा सकती हैं। चाहो तो डीएम से शिकायत करो या फिर डीपीओ के पास जाकर के उनसे कहो कि भैया हमारे यहां पोषण ट्रैकर पर इतने लाभार्थी और आते भी इतने हैं जो वास्तविक है और इनको लाभ जो है लाभ चाहिए जो कि यहां पर उनको मानक के अनुसार समूह वाले पहुंचा नहीं रहे, तो अपने वहां पर आप इसके लिए शिकायत कर सकते हो। अगर समूह वाले भाई बहनों को चीजें ना मिले ऊपर से तो आप भी इसके लिए शिकायत कर सकते हो, चाहे आप डीएम के पास जाओ चाहे आप डीपीओ से कहो कि इस चीज को मिलान करें और हर लाभार्थी को जो है राशन पानी मिले। क्योंकि आपने देखा केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कुपोषण से शिकारित बच्चे हैं। अब आप सोचिएगा, एक तरफ सभी राज्य चढ़ जाएंगे भारत देश के, एक तरफ अकेले उत्तर प्रदेश जहां पर कुपोषण इतना ज्यादा है। अब आप सोचिएगा, ये केंद्रीय मंत्री जी का ही बयान है फिलहाल के लिए, और जो है जिम्मेदार कौन ठहराया जाता है, हमेशा आंगनबाड़ी वर्कर। तो यहां पर आप लोग जिम्मेदारियों को समझिए। कामनी त्रिवेदी बहन है लखीमपुर से, जिन्होंने ये मैटर भेजा था और यहां पर उन्होंने कहा है कि जो है फीडिंग वीडिंग के लिए बोला जा रहा है, तो डीआईए पर जो फीडिंग है वो अपने वहां सीडीपीओ और डीपीओ वगैरह वो देखेंगे, सुपरवाइजर देखेंगी। अब बात करते हैं यहां पर आप लोगों को पोषण ट्रैकर पर फीडियां करनी है और उन फीडियो को देखते हुए वो लोग अपने वहां पर वो चीजों को करेंगे। अब देखिएगा, राजेश कुमार सक्सेना भाई है, उन्होंने अपने वहां पर ये फोटो हमें भेजी है। दरअसल यहां पर बैठक करवाई गई है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें, भाई ने जो फोटो भेजी है उनमें से एक ये तस्वीर आप यहां पर देख सकते हो। कुछ आवश्यक बैठक की गई और यहां पर बहनें भी इसमें शामिल हैं, और यहां पर आपको बताना चाहेंगे ये राजेश कुमार सक्सेना भाई जी हैं और उन्होंने यहां पर एक खबर भी भेजी है जो कि राष्ट्रीय पहल में प्रकाशित हुई है, जो राजनीतिक पार्टियां नियमित करेंगी आंगनबाड़ी कर्मचारी बहनों को, उसी पार्टी को बहनें सपोर्ट करेंगी। गुलाब सिंह जी जो है उन्होंने अपना ये बयान दिया हुआ है और ऐसा उनका कहना है, जो कि बदायूं जिले से हैं और बदायूं जिले में जो है हमारे भाई हैं राजेश सक्सेना भाई, और उन्होंने ही जो इस मैटर को ऑल इंडिया तक पहुंचाया है, तो भाई को धन्यवाद। तो अभी आप सब भाई बहन यहां पर देखिएगा, यहां पर काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश सरकार अपना वादा नहीं निभा पा रही है, और यहां पर कड़वी सच्चाई दोस्तों ये भी है, आप सब परिचित हो कि सरकारें चुनाव से पहले तो हर पार्टी वादा कर ही देती है कि हम जो है आप लोगों को नियमित कर देंगे। जैसे राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ले लो, हर किसी को आपने देखा है सबने वादे किए हैं चुनाव जीतने के चक्कर में, और बाद में जब पार्टी में आते हैं तो जब भी संसद वंसद में कोई बात चलती है तो क्या कह देते हैं कि आंगनबाड़ी समाज सेवी है, संविदा के तौर पर इनकी जो नियुक्तियां वो समाज सेवी के रूप में है, मानदेय आधारित कर्मी है, इनका नियमितीकरण नहीं होगा, जैसे कि आपने झारखंड में देखा और आपने राजस्थान या मध्य प्रदेश में देखा था, वहां पर तो डायरेक्ट मना कर दिया गया था बाद में। तो ऐसे चीजें होती है, सरकार सत्ता में आती है, सुख भोगती है और फिर आंगनबाड़ी बहनों को भूल जाती है। तो हमारी सलाह इंडिया की यही है, किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए पहले ही डिसाइड मत करें और पहले ही उसी के पीछे मत लग जाइए, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। यहां पर आप सब परिचित हैं कि सरकारें वोट पाने के बाद में कोई नहीं सुनती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार ने ही कितना सुन लिया, और भाजपा सरकार हेमंत सोरेन जो झारखंड में वो उसने कितना सुन लिया, तो कहने वहां पर हेमंत सोरेन सरकार कांग्रेस के, उन्होंने भी नहीं सुना भाजपा की, यहां नहीं सुना। तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जहां जो कोई है सुनता धुनता कोई नहीं। अफसाना परवीन बहन है, उन्होंने भी एक मैटर भेजा, यहां पर उनका कहना कि 20 बच्चे हैं, 10 पैकेट उनको यहां पर दूध का मिला हुआ है, नालंदा से बहन है। तो फिलहाल के लिए आपको बता दें कि ये नालंदा जो है वहां पर कार्यालय से एक आदेश निकला है नालंदा जिले में, यहां पर आप देख सकते हो ये माह जो जुलाई है वहां पर दूध वितरण होना है दरअसल, और उसी के संबंध में बोला जा रहा है, तो ये पंचायत वगैरह को ये आवंटित कर दिया गया, महिला पर्यवेक्षिका जो है वहां पर इन चीजों को देखेंगी। यहां पर उनका नाम में देखिएगा, नाम भी है 2 अगस्त यहां पर, और 5 अगस्त इनमें जो है वो अपना चेक वेक कर सकती है, यानी वहां पर पंचायतों में आवंटित किया जाएगा तो वहां पर वो पहुंच सकती है। नीचे लिखा है सभी महिला पर्यवेक्षिका को आदेशित भी किया जाता है कि निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर 10 बजे से 4 बजे में अपनी उपस्थिति में केंद्रों पर जाकर के दूध का वितरण नियमानुसार करवाएं। तो दूध के वितरण को लेकर के सुपरवाइजरों को आदेश दिया गया है बिहार के नालंदा में। अब बात करते हैं बिहार सरकार से जारी एक और सरकारी आदेश जो कि 30 जुलाई को कल निकला है। निदेशक महोदय ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भेजा है और उन्होंने कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो धारित स्वामित्व की भूमि है और विभिन्न उद्देश्य से प्राप्त अधिग्रहित जो भूमि है उसका विवरण ब्यौरा प्रविष्टि वो विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध निदेशालय को करवाया जाए, इस संबंध में निकला है। पहले भी दोस्तों इस संबंध में निकला था और अब फिर दोबारा निकला है, अभी निदेशालय को ये डीपीओ लोग वहां पर भेज नहीं रहे। बिहार सरकार से एक और यहां पर आदेश आया है 30 जुलाई को, जैसा कि आप देख सकते हो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समस्तीपुर के हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री गोपाल सिंह जी हैं केसरी, उन्होंने जहां पर जो है सूचना मांगी थी तो उन्हीं को सूचना भेजी जाए, इसके बारे में निदेशालय से आदेश निकाल दिया गया और कहा गया कि जल्द से जल्द जो है जो सूचना चाह रहे हैं गोपाल भाई इनको सूचना भी भेजी जाए। तो अब देखते हैं विभाग इनको कब तक जो है सूचना भेजता है। अब इनके अलावा बता दें आपको, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से एक लेटर निकला था 26 जुलाई को, जो कि ये सभी जिलों में प्रखंडों में एक
अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक, यानी कल से स्टार्ट होगा, अगले 7 दिनों तक विश्व स्तनपान सप्ताह बिहार राज्य में भी मनाया जाएगा, अन्य राज्यों में भी दोस्तों ये मनाया जा रहा है। इस संबंध में आप देख लीजिएगा विस्तृत दिशा निर्देश भी आए हुए हैं, तो ये चीजें आपको उत्तर प्रदेश वाले लेटर में बखूबी पहले भी बताई जा चुकी है। हम यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि पीत पत्र के बदलने में इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटन किया जाना है। आवंटित हेतु राशि की संक्षिप्त विवरणी हमारे पास आई है, जिसमें निदेशालय से 19,38,576 रुपए, जिला प्रोग्राम कार्यालय से 54,05,760 रुपए और यहां पर बाल विकास परियोजना कार्यालय से 5 करोड़ जो है यहां पर 55,000 रुपए, यानी टोटल 5,73,99,336 जो है यहां पर रुपए की बात की जा रही है। आवंटन प्रस्ताव पर निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है, अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची के अनुसार आवंटन किया जाए। तो इसके बारे में आवंटन के लिए यहां पर मांगा जा रहा है बिहार सरकार में। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये लेटरों को रविराज भाई ने बिहार से भेजा था, जिनको एक एक करके हमने दिखा दिया है, कुछ कल दिखाए गए, कुछ आज सुबह दोपहर को भी दिखाए गए। अब बात करते हैं, यहां पर अनीता बहन है आजमगढ़ से, जिन्होंने एक ये मैटर भेजा है जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ के 28 जुलाई को उन्होंने निकाला और कहा कि विगत एक सप्ताह से यह पाया जा रहा है कि कोविड-19 के दृष्टिगत लक्षण युक्त व्यक्तियों की जो सूची है आप द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित नहीं की जा रही है। समस्त बाल विकास परियोजना जो अधिकारी हैं आजमगढ़ के, यानी CDPO लोग, जूम VC में जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर कड़ी नाराजगी भी जताई गई है। आंगनबाड़ी बहने और आशा बहने इनकी टीमों को गंभीरतापूर्वक सर्वे यानी कराते हुए लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करने के बारे में बोला गया है, तो इसके बारे में सर्विलांस टीमों में तदनुसार अनुपालनकर्ता अवगत करा दे, इसके बारे में यहां पर बोला जा रहा है। देखिए काम का दबाव फिर बन रहा, मनोज कुमार मौर्य जी जिला कार्यक्रम अधिकारी, वो उन्होंने ये लेटर निकाला, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में कोई भी DPO या निदेशालय में अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में आपको जब पता है कि 1 जुलाई को जून महीने का पैसा खातों में लगा था, जो कि पूरा आज 31 जुलाई हो गया, पूरा महीना बीत गया है, लेकिन इस महीने में वो पैसा सच्चे नहीं हो पाया। आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं हुआ है, कब तक होगा, तो ये चीजों को लेकर के ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कामों को लेकर के दबाव हां हर कोई बनाना जानता है। अनीता बहन आजमगढ़ से जिन्होंने मैटर भेजा था। इनके अलावा दोस्तों बात करते हैं, यहां पर अप्रैल 2021 से आपूर्ति खाद्यान्न एवं वितरण की प्रगति को लेकर के ये 26 जुलाई को लेटर निकला था, जिसमें आप देखिएगा वहां की प्रगति वगति कैसी है उसके बारे में दिया हुआ है, तो ये ज्यादा काम की चीज नहीं है हर बहन के लिए। अब बात करते हैं आजमगढ़ में ये भी निकला था, यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने 28 जुलाई को लेटर निकाला, जिसमें ड्राई राशन वितरण और सैम मैम बच्चे का चिन्हांकन और उनमें सुधार की स्थितियां, इसको लेकर के कुछ प्रारूप आए हैं। प्रारूप नंबर 1 में जो कालम है विकासखंड का नाम, चयनित गांव का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, ऊपर है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जिनमें 6 माह से 3 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या और बच्चों की संख्या जिनके लिए ड्राई राशन प्राप्त हुआ है और बच्चों की संख्या जिन्हें ड्राई राशन का वितरण निरीक्षण की तिथि तक किया गया है। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों में भी वही सेम तरीके से कालम और इनके अलावा फिर गर्भवती धात्री का भी कालम और 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों के लिए भी कालम, ये 16 कालमों पर इस तरह से पहला प्रारूप, और दूसरा प्रारूप भी काफी लंबा चौड़ा है जिसमें आप देख सकते हो नीचे लिखा गया है कि 2-2 गांवों का चयन करते हुए यहां पर जो है चयनित गांव में सूचना प्रारूप पर उपलब्ध आज ही करवाएं, इसके बारे में भी लिखा है, जिसमें यहां पर आप देखिएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मोबाइल नंबर, नाम वाम, क्षेत्रीय सेविका का नाम और ये सब चीजें मांगी जा रही हैं। तो यहां पर जो सैम मैम बच्चे उनकी सूचना मांगने को लेकर के ये प्रारूप आए थे। अब यहां पर आगे चलते हैं, आपको बताते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश में जो है यहां पर मेरठ जिले से भी एक मैटर यहां पर आया हुआ है, जिसमें आपको बता दें ये आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जिसको पुष्पा बहन है मेरठ जिले से, उन्होंने 28 जुलाई को ये लेटर यूनियन का जो जारी हुआ था उसको हम तक पहुंचाया है, जिसमें मांगे क्या है वो हम आपको भी बताने वाले हैं। 62 वर्ष में सेवा वाली जो बहनें हैं जिनको निकाल दिया गया है, उनके विरुद्ध यूनियन की जो है अपील कोर्ट में लंबित है, ऐसा यहां पर यूनियन ने कहा है लंबित है, लेकिन किसी को पता नहीं है वो चल रही है या खारिज हो गई। कई बार ये भी सुनने में आया कि जो है याचिकाएं खारिज हो चुकी थी, खैर इन पर यूनियन ने कभी कुछ बताया नहीं, तो इस मैटर पर हम आगे बात भी नहीं करने वाले, वरना लोगों के सवाल उठेंगे और जवाब यूनियन ये दे नहीं पा रहा है, तो इस मैटर पर हम भाई कुछ कह नहीं सकते। ये किस यूनियन का है, आंगनबाड़ी बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा, तो कोई भी पहली बात यूनियन हो, अगर 62 वर्ष रिटायरमेंट मुद्दे पर कोई कहता है कि हमारी याचिका पड़ी है, तो भैया इस पर जानकारी जब तक वो साझा नहीं करते तब तक भाई इन मैटरों पर क्या बोला जाए, क्योंकि लोगों की भाई भावनाओं के साथ खेलना गलत बात है। अगर मैटर चल भी रहे तो भाई कैसे कब तक ये चलते रहेंगे और क्यों चल रहे इतने लंबे तरीके से, पहले तो सुनने में आता याचिकाएं जो है रद्द हो गई या जो भी था, वो समय समय पर बहनों को अपनी अवगत कराना भी यूनियन की जिम्मेदारी था, बहनों की उम्मीदें पूरा टूटती हुई नजर आई है। अब हीरावती बहन है कानपुर से, जिन्होंने भी एक ये मैटर भेजा था आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन शाखा कानपुर से, यह 29 जुलाई को निकला था, प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जायज मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री महोदय को यह लेटर पहुंचाया गया है, श्रीमान जिलाधिकारी जो कानपुर के उनके मदद से। यहां पर आप देख सकते हो वादा खिलाफी जो सरकार ने किया है वो सब, और यहां पर आंगनबाड़ी कर्मचारी
कर्मचारियों को बिना पेंशन रिटायर कर दिया गया, उसके बारे में बातें जो है ये सब यहां पर लिखकर के भेजा गया है। बाकी आपको बता दें 20 से 40 वर्षों तक बहनों ने काम किया है, अब बुजुर्ग हो गई है, तो बिना पेंशन सरकार ने उन्हें रिटायर कर दिया। जुलाई में जो है यहां पर समय अगस्त का मानदेय भी जो है ना दिए जाने, ये सब चीजें यहां पर उन्होंने लिखी हुई है। तो फिलहाल जो समस्याएं हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्यों मांगे और समस्या एक ऐसी चीज है जो ऑल इंडिया पर वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन बेहतरी से जानते हैं। तो फिलहाल के लिए आप प्रयास करते रहिए, जो भी हमारी भाई बहन ये वाले हीरावती बहन आपने प्रयास किया अच्छी बात है, बाकी के भाई भाई बहन आप भी प्रयास करिए। आप सब जानते हो कि समस्या बहुत सी है। रही बात रिटायरमेंट की, तो आपको यह भी पता है एक साल से ऊपर हो गया है रिटायरमेंट पर, ना सरकारों ने कुछ किया ना ही कोई धरने प्रदर्शन या इस चीजों का विरोध जमीन स्तर पर ढंग से देखने को मिला। रिटायरमेंट लेकिन 50,000 बहनों को हुआ, इनमें गलतियां हमारी आंगनबाड़ी बहनों की खुद है, क्योंकि वो बहनें अपने शोषण और अपना अधिकार पाने के लिए खुद ही यहां पर जमीन पर नहीं आती है, ना ही उसके लिए कुछ चार शब्द कहती है। जहां कहीं सरकार या मुख्यमंत्री पहुंचते भी हैं, अधिकारी पहुंचते हैं, वहां पर भी अपने शोषण को लेकर के वो चार शब्द नहीं कह पाती, या फिर सरकार जो है जुमले दे रही हो तो उसका जवाब भी नहीं दे पाती। अब ये अगर वो खुद ही अपनी चीजों पर कुछ नहीं कर पाती, तो भाई और कोई किसके सहारे आप जो है कुछ करने की सोच रही है? भाई दूसरों को क्या पड़ी है, चाहे वो भाई हम हो या यूनियन हो, मैं तो कड़वा बोल रहा हूं, देखो हमें जरूरत है, क्योंकि आपसे ही हम है और इसीलिए आपसे जो है ऑल इंडिया है, तो ऑल इंडिया चाहता है कि आप सबका कुछ ना कुछ होता रहे, इसीलिए दंडात जो है आवाज उठती है। लेकिन अगर बहनों आप ही कुछ ना करो तो फिर कौन क्या कर पाएगा? ना यूनियन कुछ कर पाएगा, ना ही ऑल इंडिया कुछ कर पाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है पिछली बार ट्विटर पर भी ट्वीट करने के लिए ट्रेंड के लिए बोला था, लेकिन आपको पता है इतनी बहनें वीडियो देखती हैं ट्विटर पर ट्रेंड करने के लिए, मैंने कहा था समस्याओं को ट्रेंड करेंगे, सरकार अपना वादा निभाए, इसकी जो है जुमलेबाजी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। लेकिन मुट्ठी भर भाई बहन, मुश्किल से 100 भाई बहन भी बहुत ज्यादा है, बेचारे वही हमको ट्विटर पर फॉलो किए और वही सब भाई बहनों ने ट्वीट किया। अब बाकी के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उनको इन कामों से मतलब ही नहीं है, जब सबका बढ़ जाएगा तो हमारा बढ़ जाएगा। इसी सोच में उत्तर प्रदेश में या अन्य अन्य राज्यों में हर जगह कहीं पर भी मानदेय नहीं बढ़ पाया है, जहां कहीं बढ़ा है वहां पर बहनों की जागरूकता के कारण ही बढ़ा है, जहां पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, यूनियनों से कंधे से कंधा मिलाकर के बहनों ने जो है सपोर्ट किया, लड़ाई छेड़ी है, तब जाकर के कुछ हुआ है। फिलहाल के लिए आप मर्जी आपकी, हम किसी को यह नहीं कह रहे आप करो या ना करो, शोषण आपके साथ हो रहा है, हम आपका बस सहारा बन सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं। आगे देखिएगा यहां पर वंदना सिंह बहन है गाजीपुर से, जिन्होंने फोटो भेजा था, एक ये बहन है अनिता विश्वकर्मा सुल्तानपुर से, उन्होंने भी फोटो भेजा है, इनके अलावा ये बहन है इंदु देवी देवरिया से, उन्होंने भी फोटो भेजा है। और आज का वीडियो दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब हम आप लोगों को कल सुबह की खबरों में मिलेंगे। किसी को बातें अगर थोड़ी बहुत बुरी भी लग जाती है तो उनको इग्नोर करिए, क्योंकि भाई कड़वा हमेशा जो है सच हमेशा यानी कड़वा ही होता है, कि इसमें कमियां हम सबकी हैं। हम सबकी का मतलब हम केवल आंगनबाड़ी बहनों की बात नहीं कर रहे, हम सबकी हैं, जो भी हैं वीडियो भी देखते हैं उनमें से भी आप सबको पता है कितने लोग ऐसे हैं जो मजबूती से चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल ऐसे ही बस देखते हैं और फिर चले जाते हैं। तो यहां पर इन चीजों को भी संज्ञान में लाइएगा, शोषण हर जगह हो रहा है, हर कोई जानता है, लेकिन उसके खिलाफ आखिर लड़ता कौन है? बहने कहती है हमारा नाम मत बताना, बताओ बिना नाम के, बिना आपके लड़े, बिना आपके अगुवाई किए आखिर कैसे खबरें प्रसारित हों और कैसे फिर उन चीजों पर जो है जमकर के लतार लगाई जाए? तो कुछ ना कुछ आप लोग अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए और हिम्मत अपने आप से लाइए, शोषण के खिलाफ लड़ना सीखिए, तभी जाकर के कोई और भी खुलकर के सपोर्ट कर पाएगा। आप सबको पता होगा स्टार्टिंग में कितना तेजी के साथ ऑल इंडिया पर हम जो है यहां पर बोलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन धीरे धीरे तमाम बहनों ने हिम्मतें हमारी भी तोड़नी शुरू कर दी। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले बहने कहती हैं कि भैया हमारे यहां ये दिक्कत है, इसको दिखा दो। जब भैया दिखा देते हैं, भैया जो उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो उन पर प्रेशर जब विभागीय अधिकारी बनाते हैं, तो फिर वो डर करके कहते हैं भैया उसको डिलीट कर दो, भैया डिलीट कर दो, दोबारा हम ये नहीं करेंगे, इस बार माफ कर दो। बताओ, ये अपने हुए शोषण को लेकर के खुद माफी मांगती हैं और खुद ही चीजों को डिलीट भी करवाती हैं अपनी समस्याओं के लिए जो उनके लिए प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसे में दोषी कौन बनता है? हम। तो कुछ ना कुछ इन्हीं चीजों को लेकर के ऑल इंडिया ने बदलाव समय समय पर किए, देखते हैं इन चीजों को कि जिन बहनों में हिम्मत होगी उन्हीं बहनों का साथ दिया जाएगा और उन्हीं बहनों की चीजें भी प्रसारित होंगी, क्योंकि कोई तो हो भाई जो लड़ने के लिए कम से कम हमारा भी तो सहयोग करे, हमारी भी ताकत आपसे ही है। लेकिन आप अगर खुद डरेंगी तो भाई कौन आपके लिए लड़ेगा? सोचिए, समझिए और फिर विचार करिए। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करिए।